यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शनिवार यानी 8 अप्रैल को देवरिया में दो जगहों पर कार्यक्रम हुआ। सीएम योगी देवरिया के जीआईसी ग्राउंड व भलुवनी में सभा को संबोधित किए, साथ ही 480 करोड़ की 223 परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण भी किए। इनमें 281 करोड़ की 122 परियोजनाओं का शिलान्यास और 198 करोड़ की लागत से तैयार परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ। इसमें ज्यादातर सीसी रोड व नाली निर्माण से संबंधित कार्य हैं। निकाय चुनाव के लिए जनता को लुभाने की कोशिश मुख्यमंत्री के इस कार्यक्रम को नगर निकाय चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। शिलान्यास व लोकार्पण के लिए प्रस्तावित परियोजनाओं में अधिकतर नगर क्षेत्र से जुड़ी है, ऐसे में इन परियोजनाओं के जरिए सीएम मतदाताओं को लुभाने का कोशिश कर रहे हैं। देवरिया जनपद से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों और बहनों, ऋषि मुनियों और संतों की परंपरा से जुड़े हुए देवताओं के अरण्य के रूप में किसी कालखंड में जाने जाने वाला है देवरिया जनपद की धरा को, जिसे किसी कालखंड में बाबा राघव दास जी ने और महर्षि देवराह बाबा ने अपने तप और साधना से एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। आज इस धरा को नमन करते हुए लगभग 500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास के अवसर पर मंचस्थ सभी जनप्रतिनिधियों को अभिनंदन करते हुए देवरिया वासियों को मैं बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया के सामने एक मॉडल बना हुआ है। विपरीत परिस्थितियों में कैसे कार्य किया जाता है, आज भारत को एक आदर्श के रूप में देखा जाता है और भारत के अंदर सुशासन का जो मॉडल है, आज उसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश ने भी कार्य करना प्रारंभ किया है। ज्यादा वक्त नहीं हुए, 6 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति से आप सब वाकिफ थे और देवरिया तो हमारे लिए घर का आंगन जैसा है। एकदम कोई भी यहां का कार्यकर्ता हो, आम जनमानस हो, बेझिझक, जब मैं गोरखपुर में सांसद था तब भी मेरे पास बेझिझक आता था और मुझे भी देवरिया के कार्यक्रमों में देवरिया की जन समस्याओं को लेकर के देवरिया आने में कोई संकोच नहीं होता था, कुशीनगर आने में कोई संकोच नहीं होता था, महाराजगंज तक जाने में कोई संकोच नहीं होता था, क्योंकि हम ये मानते थे कि सब तो अपने ही लोग हैं, इन लोगों की समस्याओं का समाधान होना चाहिए और अगर सरकार की कानों में जू नहीं रेंग रहा है तो उसे झकझोरने के लिए हम जनता के साथ मिलकर के उस समय भी आपके बीच में आकर के आंदोलन आपके साथ ही मिलकर के करते थे। लेकिन आज पिछले 8-9 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकास की योजनाएं तेजी के साथ हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला तक पहुंची है, तो विकास की उन्हीं योजनाओं को पिछले 6 वर्ष के अंदर डबल इंजन की सरकार ने देवरिया जनपद तक भी पहुंचाया। भाइयों बहनों, कोई सोचता था कि सलेमपुर में पुल बनेगा, कोई सोचता था कि देवरिया में मेडिकल कॉलेज का निर्माण होगा, कोई सोचता था कि गांव गांव में जो बन रहे हैं ये पीएससी है, सीएससी है, इसका समाधान होगा, और कोई सोचता था कि आईटीआई, इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज बन पाएंगे। आज तो हमारी सरकार ने यह भी तय किया है, हर गांव में खेल का मैदान भी होगा, हर ब्लॉक स्तर पर मिनी स्टेडियम और हर जनपद में एक स्टेडियम के निर्माण का कार्य राज्य सरकार करवाएगी। निजी खेल अकादमियों को हम बढ़ावा देंगे, 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन देने का कार्य भी आपने देखा होगा, 2 बेटियों को हमने इसी मंच पर टैबलेट देने का काम किया है। तकनीकी दृष्टि से उत्तर प्रदेश के युवाओं को आज हम लोग टैबलेट और स्मार्टफोन दे रहे हैं, उसे सक्षम बनाने के लिए हम टैबलेट और स्मार्टफोन दे रहे हैं। और अभी आपने देखा होगा 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश की परियोजनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर आ रही हैं। अगले 2 से 3 वर्ष के अंदर 1 करोड़ नौजवानों के लिए नौकरी की सुविधा हम लेकर के आने जा रहे हैं।
उस नौजवान को तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए, उसके स्किल मैपिंग के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए आईटीआई, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेजेज, नर्सिंग कॉलेजेज का एक लंबा जाल बिछाया जा रहा है और साथ साथ निवेश की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। भाइयों बहनों, कभी वास्तव में ये क्षेत्र मलेरिया के लिए जाना जाता था, मलेरिया से मुक्ति मिली तो इंसेफ्लाइटिस ने अपना कहर डालना प्रारंभ किया, लेकिन हम लोगों ने कोरोना को भी नियंत्रित किया और आज मैं कह सकता हूं कि हमारा देवरिया हो या कुशीनगर या महाराजगंज, आज इंसेफ्लाइटिस यहां दूर दूर तक नहीं आ सकता, यहां का मासूम भी जीने का पूरा अधिकार रखता था। पिछली सरकारों ने जो जाति के नाम पर आपको बांटते थे, इन लोगों ने यहां के मासूम बच्चों के जीने का अधिकार इंसेफ्लाइटिस की बीमारी के नाम पर लेने का कार्य किया, लेकिन आज डबल इंजन की सरकार आपको यह कहने के लिए आई है कि हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है और सरकार की यह ड्यूटी है उस तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाएं। हर गरीब को बिना भेदभाव के मकान मिल रहा है, गांव हो या शहर, अब तक हम 54 लाख परिवारों को एक एक आवास दे चुके हैं, 54 लाख परिवारों को। भाइयों बहनों, यह 2017 के पहले क्यों नहीं मिलता था? 2,61,00,000 गरीबों को एक एक शौचालय दे चुके हैं, 1,55,00,000 गरीबों को फ्री में बिजली का कनेक्शन दे चुके हैं, 1,75,00,000 गरीबों को फ्री में उज्ज्वला योजना के कनेक्शन उपलब्ध करवा चुके हैं। और कोरोना कालखंड में उत्तर प्रदेश के अंदर 15 करोड़ और देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन डबल इंजन की सरकार ही देने का कार्य कर रही है, प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। याद करिए, 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन 3 वर्ष से लगातार। एक तरफ भारत है, 140 करोड़ के भारत में कोई व्यक्ति भूखों नहीं सोएगा, और दूसरी तरफ पाकिस्तान है, 22-23 करोड़।